हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सखी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिवाली स्पेशल चॉकलेट की रेसिपी बनाने सिखा रही हूँ। इसके लिए लिया है मैंने वाइट कंपाउंड स्लैब लिया है। ये इस तरह का होता है और ये मार्केट में जहाँ बेकरी का सामान मिलता है वहाँ आराम से ये वाइट चॉकलेट आराम से मिल जाती है। नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस तरह का स्लैब होता है और इसमें से मैंने आधे स्लैब को कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। इस तरह से मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया जिससे कि हमें मेल्ट करने में इसे आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, इसको मेल्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं 30-30 सेकेंड्स के लिए, दो बार में करके इसको मेल्ट करें, क्योंकि वाइट चॉकलेट जो है बहुत ही डेलिकेट होती है, तो नहीं तो ये बर्न हो सकती है। और इसे नहीं तो आप डबल बॉयलर मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। एक भगोने में मैंने पानी उबालने रख दिया है और इसके ऊपर रख दूंगी मैं ये बाउल और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इससे अब ये पानी की जो स्टीम होगी उससे ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। इसको लगातार चलाते रहें, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लगी है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और ये कुछ ही सेकंड्स में हमारी मेल्ट होकर तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसमें अब कोई भी चॉकलेट का चंक्स नहीं है। तो मैं आज आपको तीन तरह की चॉकलेट बनाना सिखा रही हूँ। तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे चॉकलेट को और इसमें हम अलग अलग फ्लेवर फ्रेंड्स। ये लिया है मैंने मैंगो का इमर्शन। इसमें मैंगो का एसेंस और कलर दोनों होता है। तो पहली हम बना रहे हैं मैंगो फ्लेवर की, तो इसमें हम मैंगो का इमर्शन ऐड करेंगे। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। खाने में बहुत मैंगो का टेस्ट आता है, इसे खाने में बहुत ही अच्छी चॉकलेट बनकर तैयार होती है। दूसरे फ्लेवर में हम रोज एसेंस मिलाएंगे, रोज एसेंस और रोज कलर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें मैंने काजू और बादाम को इसमें मैंने सूख ड्राई ऐसी रोस्ट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो हमारी ये रोज वाली चॉकलेट तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसको एक साइड रख देती हैं और ये लिया है मैंने सिलिकॉन के मोल्ड। सिलिकॉन के मोल्ड में हम ये अपनी सेट करेंगे चॉकलेट। अब इसमें हम चम्मच की हेल्प से इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से हमें फिल करना है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी चॉकलेट बनकर ये तैयार होती है। हमने ये इसका जो हमने इसमें मैंगो का इमर्शन डाला था, अब ये भी मोल्ड में हम भर लेते हैं, ऐड कर देंगे। इस तरह से हम छुरी से इसमें टैप कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम पिस्ता फ्लेवर की बनाएंगे। तो पिस्ता फ्लेवर की बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर ग्रीन फूड कलर, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर इसमें ऐड करेंगे और ये अपने पिस्ते मैंने काट के रखे हुए हैं ये इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने पिस्ते वाले फ्लेवर तैयार कर लिया है और इसमें इसे भी मैं मोल्ड में भर दूंगी। अब फ्रेंड्स, इसको हमें अच्छी तरह से एक बार टैप करना है जिससे कि हमारी नीचे तक अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसको अब मैं लेके फ्रिज में रख दे रही हूँ। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में इसमें रख देती हूँ। फ्रेंड्स, ये तीनों फ्लेवर की चॉकलेट हमारी जम गई है। 10 मिनट में ही फ्रिज में सेट हो जाती है। इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही सेट हो जाती है। और मैं अब इसमें आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंगो फ्लेवर वाली
कितनी सुंदर चॉकलेट बन रही है। ये रोज फ्लेवर की है, बड़ी आसानी से सिलिकॉन मोल्ड में से ये निकल जाती है। और फ्रेंड्स ये हमारी पिस्ता फ्लेवर की, एक्स्ट्रा पार्ट आप इसका जो है वो हाथ से या चाकू से निकाल सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसका, फ्रेंड्स दिवाली स्पेशल हमारी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है। आप इसे 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इसे ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं, बिना ड्राई फ्रूट के भी जमा सकते हैं। और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप जैसे कि डिब्बे के ढक्कन होते हैं इस तरह के ढक्कनों में लेकर भी आप बड़ी चॉकलेट भी सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मोल्ड मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अगर आपको शॉप पर नहीं मिलते हैं तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और दिवाली की ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।